नमस्कार दोस्तों, आज है 2024 का पहला दिन 1 जनवरी और मैं अपने दोस्त आदेश के साथ में निकल चुका हूँ कानपुर में घूमने। और मैं पहले जा रहा हूँ गंगा बैराज, उसके बाद जाऊँगा चिड़ियाघर। तो अभी हम रास्ते में हैं, नवाबगंज रोड पर चल रहे हैं। सुबह मैं निकला था, 8 बजे निकला हूँ, उसके बाद कॉलेज गया, कॉलेज में से होकर के फिर मैं 11 बजे इधर आ गया हूँ। तो हम और आदेश दोनों लोग बाइक से जा रहे हैं, सर्दी बहुत है। और अगर आप भी घूमना चाहते हैं गंगा बैराज या फिर चिड़ियाघर, तो आप कानपुर सेंट्रल से 15 किलोमीटर की दूरी पे आप आ सकते हैं, ये नवाबगंज के पीछे ही है। तो हम लोग जा रहे हैं, चलो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ के रास्ते और गंगा बैराज का व्यूज कैसा है। गंगा बैराज 2005 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 2000 में बनके तैयार हो गया है। इसका आधिकारिक रूप लौकुश बैराज है, लौकुश डैम। तो यहाँ पर काफ़ी सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ गंगा जी के 30 गेट वाला पुल बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है, शांति है। और शाम के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ से आप लखनऊ भी जा सकते हैं, लखनऊ उन्नाव जा सकते हैं, बाईपास भी है। तो आप आइए, बहुत ही अच्छा, लोग घूमने भी आते हैं यहाँ पर। पर हम लोग पहुंचने वाले हैं गंगा बैराज, 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है और हम लोग रास्ते में हैं, अब चल रहे हैं। अब एंटर कर चुके हैं ट्रांस गंगा सिटी में। ये देखो कानपुर बोट क्लब है, इधर इधर बोटिंग होती है और हम लोग गंगा बैराज में एंट्री कर रहे हैं। ये देखो सामने पुल है, ये देखो डैम बना हुआ है गंगा बैराज का, ये बहुत ही देखो अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। देखो साइड में लोग खड़े हैं, बीच में रोड चलता है, किनारे किनारे घूमने की जगह है। 30 दरवाजे वाला पुल बना हुआ है यहाँ पे। सुबह का समय होने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे यहाँ घूमने के लिए। लोग लमसम वही दोपहर के बाद आते हैं, शाम तक रात तक रहते हैं। काफ़ी मात्रा में नए साल होने की वजह से यहाँ पुलिस बल भी तैनात था, गश्त भी कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बोटिंग के लिए नहीं गए, उधर बोट क्लब साइड में नहीं गए थे, तो यहीं से वापस हो गए थे। बाकी अगर आप लोग बोट क्लब में जाना चाहते हैं तो बोट क्लब में जाने के लिए 80 रुपये टिकट है। और अगर आप बाइक से आते हैं तो या कार से आते हैं तो स्टैंड का अलग से देना पड़ता है, बाकी बोटिंग का 300 रुपये 400 रुपये वो अलग रहता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, अब जाएंगे चिड़ियाघर। ये देखो रास्ते में बहुत ही अच्छे मैगी पॉइंट बना रखे हैं यहाँ पर बैठने के, समय सुबह सुबह की वजह से दुकानें लगी नहीं थी, यहाँ पर आप बैठ कर नाश्ता कर सकते हैं। ये देखिए मैगी पॉइंट बहुत ही अच्छे बने हुए हैं रोड किनारे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है, सस्ता रहता है। तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग आगे निकल गए थे, अब आ रहे हैं वापस। तो वापस में दोबारा फिर पुल पड़ा, क्योंकि मैं आगे चला गया 2 किलोमीटर, उसके बाद वापस आया हूँ। और ये देखिए ये बना हुआ है गंगा बैराज का डैम, ये बहुत ही प्यारा है। अभी आपको दिखाना, देखो ये कानपुर सेंट्रल का लघु रूप है, यानी कि छोटा रूप है स्टेशन, जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन है उसका छोटा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस चिड़ियाघर देखने जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर में क्या क्या है, चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु हैं, आप कैसे जा सकते हैं, टिकट कितनी है, स्टेशन का कैंसिल कितना पैसा लगता है। तो हम लोग अब चिड़ियाघर वाले रोड पर ही जा रहे हैं और हम आ चुके हैं चिड़ियाघर के गेट पे, पार्किंग एरिया में हूँ। अब इसके बाद एंटर करने वाले हैं,
फाइनली हम लोगों ने एंटर कर लिया है चिड़ियाघर में। अब स्टैंड पर जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी करेंगे। तो स्टैंड का यहाँ पर 30 रुपये लगता है, हेलमेट का 10 रुपये अलग से लगता है, 40 रुपये ये लगता है, और टिकट का 70 रुपये पर पर्सन लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ जाके पहले गाड़ी खड़ी करी है और दो टिकट ले, देखो, और चिड़ियाघर के अंदर आ गए हैं। कानपुर प्राणी उद्यान में एंटर कर लिया है। और ये देखो आदेश भाई जा रहे हैं आगे, और ये देखो पूरा कानपुर जू का मैप है। पहले यहाँ ट्रेन चलती थी, बाकी अभी से यहाँ ट्रेन नहीं चल रही है, बाकी आप मोटर गाड़ी से घूम सकते हैं। ये एडवेंचर पार्क है, ये नया बना है, पहले ये नहीं था, 2018 में आया था। ये देखिए ये सफ़ेद गले वाला बंदर है, ये देखो बंदर है, ये सफ़ेद गले वाला बंदर है। और ये देखो यहाँ पे सारस हैं, जो क्रेन है, यहाँ आप सारस देख सकते हैं, सबसे जो बड़ा पक्षी होता है ये सारस है। और हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, जो पक्षी हैं काफ़ी पक्षी बिहार है, यहाँ पक्षी काफ़ी हैं। एंटर कर लिया आदेश भाई, आगे चल रहे हैं। ये देखो मोर है, अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसके साथ में ये देखो ब्लैक बतख हैं, ब्लैक डक हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पर। बाकी पहले घुसने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बहुत ही बदबू आ रही थी। तो देखो ये वो है, काबली बगुला है, कितनी बड़ी बड़ी चोंच है इसकी। आप भी आइए देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा नज़ारा है जू का, कानपुर जू का, कानपुर चिड़ियाघर का। ये देखो पास से देखिए काली बतख, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह था, भीड़ बहुत थी, गंगा बैराज में भीड़ नहीं थी, बाकी यहाँ बहुत भीड़ थी। ये देखो अपना डॉन है, ये कितने लोग घूमने आए हुए हैं। ये हीरामन तोता, अरे ये पवन गेड़ा है, पवन इसका नाम है, इसका पवन बहुत बड़ा गेड़ा है यहाँ पे, ये पवन नाम है इसका, बहुत विशाल है। इसके बाद आपको छोटा भी देखने, मतलब छोटा गेड़ा भी है यहाँ पे, ये देखिए। और आगे हैं टर्की बर्ड में, ये टर्की बर्ड है, ये पक्षी है, कितना प्यारा पक्षी है। और ये आदेश भाई खड़े हुए हैं, और ये डायनासोर का पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, दो तीन मूर्ति बनी हुई है बहुत प्यारी। और अब हम लोग जा रहे हैं हिमालयन भालू को देखने, बाकी सर्दी ज़्यादा होने की वजह से या किसी और वजह से भालू दिखाई नहीं पड़ रहा था, यहाँ नहीं था इस बाड़े में, तो मैंने देखा उसके बाद फिर आगे निकल गया। फिर ये देखो लिखा, ये देखो बाप के लिए किधर गए, देखो तेलुआ वाले में आ गए हैं। और देखिए तेलुआ घूम रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत फुर्तीला जानवर होता है, इधर ही घूम रहा है। ये देखो कितने बैठे हुए थे, चित्ती बिल्ली, जंगली बिल्ली, यहाँ कैट, ये देखो तेंदुआ यहाँ घूम रहे हैं। तेंदुआ के कई बाड़े हैं, 4-5 बाड़े हैं अलग अलग, यहाँ पे तेंदुआ काफी मात्रा में है कानपुर चिड़ियाघर में। अब हम आपको दिखाते हैं लकड़बग्गा, लकड़बग्गा का ये बाड़ा है, बाकी लकड़बग्गा इसमें था नहीं तो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। बाकी उसके बाद हम लोग गेड़ा वाले में चले गए, लकड़बग्गा आगे फिर मिला था वो दिखाएंगे हम। ये देखो ये छोटा गेड़ा है, दौड़ के आ रहा है, ये छोटा गेड़ा है, बच्चा है, और सर्दी की वजह से इसके ऊपर ये बांध रखा है, सर्दी ज़्यादा थी तो उसको बांधा हुआ है, ठंडी ना लगे, देखो दौड़ के आ रहा है पब्लिक को देख के। इसके बाद आपको दिखाएंगे पवन, एक बार देख चुके पवन का दूसरा है, ये पवन है, ये घूम रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखो लकड़बग्गा ये है, ये लकड़बग्गा है, ये जो होता है ये सड़ा गला मांस खाता है और इसमें बहुत बदबू आता है, इसको बहुत लड़ाकू जानवर भी कहते हैं, लड़ाकू है, बाकी डरपोक भी है, मतलब हमला करेगा तुरंत भाग जाता है, ये खोदता रहता है। ये लकड़बग्गा की हिस्ट्री है, स्ट्रीपेड हाइना बोलते हैं इसको, ये सांबर। अभी ये हम लोग आ गए हैं, इधर हिरन है, डियर है काफ़ी, कितनी हिरन खड़ी है सामने। और ये पाड़ा हिरन है,
12 डियर कितने ज्यादा मात्रा में टहल रही है इस बार झुंड में है अपनी वो। और ये काकड़ डियर है काकड़ डियर है ये काकड़ जो है बोलते हैं, कई प्रजाति होती है इनके, उसमें काकड़ डियर भी है। ये देखो कितनी मात्रा में हिरन है यहाँ पे, काला हिरन, ये अपना काला हिरन है, ऊपर का हिस्सा काला होता है इनका। ये देखो पास से देखिए हिरन घूम रहे हैं यहाँ पे, ये हिरन देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम लोग आ गए हैं मछली घर में, मछली घर में मछली है कई वैरायटी की, अलग अलग मछली, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए आप धीरे धीरे देखते जाइए, मछली का इतना सुंदर नज़ारा हमने अभी तक नहीं देखा, पहली बार देखा, बहुत ही प्यारा है। अलग अलग कांच के शेड में रखी गई हैं, बहुत ही, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए फिर बताइए। ये वाइट मछली है, कितने पास से देख सकते हैं आप लोग, अभी बहुत छोटी छोटी भी मछली दिखाई पड़ेंगी आपको, बहुत छोटी मछली 3-4 इंच में। ये एमू पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी होता है ये एमू। और हम लोग आए थे ये सरीसृप ग्रह सांप देखने, बाकी यहाँ बंद था तो सांप देखने को नहीं मिला। और ये है आपका घर, क्या बोलते हैं इसको, दरियाई घोड़ा, ये दरियाई घोड़ा है इसका, ये एमू पक्षी घूम रहे हैं। और हम लोग चलते चलते काफ़ी समय हो गया था, 2 से 3 घंटे हो गए, थक गए थे। तो ये देखो लाइन है, यहाँ शेर बैठा हुआ, बब्बर शेर है बैठा हुआ, दूर था ये उठा ही नहीं, पास से देखिए आप लोग आराम कर रहा है शायद। और वो देखो सामने खड़ा हुआ है जिराफ, जिराफ खड़ा हुआ है एक ही जगह।